दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे कार्यक्रम का विषय है कुपोषण और आयुर्वेद। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर संतुलित आहार न मिले तो उसका विकास रुक जाता है और वह कुपोषित हो जाता है। तो आज इन्हीं तरह के विषयों की जानकारी हम लेंगे और ऐसे ही सवालों पर बात करेंगे कि कुपोषण आखिर है क्या, यह कितने प्रकार का होता है और कोई बच्चा अगर कुपोषित हो तो वह कितने प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। तो इसी तरह की जानकारियों के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है चिकित्सक आयुर्वेद डॉक्टर वेंकटेश कात्यायन को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को नमस्कार, अभिनंदन, जोहार। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज हमारा विषय ही है आयुर्वेद और कुपोषण, तो सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि कुपोषण आखिर है क्या और ये क्यों होता है। कुपोषण जो है इसको माल न्यूट्रिशंस बोलते हैं। माल न्यूट्रिशंस का मतलब हुआ बैड न्यूट्रिशंस, कुपोषण गलत पोषण, अनुचित पोषण। तो बच्चे को सही से पोषण ना दिया जाए, बच्चे जो है पूरे शरीर का जो विकास के लिए शुरुआती दौर में उनको सबसे अधिक पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जीवन की शुरुआत वहीं से होती है, बाल्यावस्था से। तो उस अवस्था में ही हम उचित रूप से उनको पोषण की आवश्यकता को पूर्ति करते रहें, जिससे कि वो आगे स्वस्थ रहें। बच्चे की इम्यूनिटी जो है वीक होती है, इसलिए हमें यह निश्चित ध्यान रखना चाहिए कि उनको क्या क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से उनका खान पान रहन सहन उस पर हम अत्यधिक ध्यान दें। अच्छा डॉक्टर साहब, जितना सारा जितनी सारी आपने बातें बताई उसके बावजूद भी बहुत सारे आज भी हम देखते हैं कि भारत का बहुत ऐसा इलाका है और बहुत ऐसे राज्य हैं जो कुपोषण से पीड़ित है। तो ऐसे क्या कारण है कि भारत अभी भी कुपोषित, बहुत सारे बच्चे कुपोषित हैं यहाँ के? इसका मुख्य कारण है अशिक्षा भी है, जागरूकता की कमी है और आसपास लोगों को अन्य का खाद्य पदार्थ का कुछ अभाव भी है। और मूलतः इसमें देखा जाए तो जागरूकता की कमी है। बहुत सारे चीज़ हमारे आसपास में मौजूद हैं जो हमारे न्यूट्रिशंस को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो जानकारी न होने के कारण, उसकी उपलब्धता न होने के कारण हम बच्चे को यदि किसी भी कारणवश उस समय उपलब्ध न कर सकते हैं तो फिर जीवन भर कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। फिर कुपोषण के शिकार होने के बाद उनको नॉर्मल ज़िंदगी में लाना, सामान्य ज़िंदगी में रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जी सर, जब भी हम कुपोषण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम 1 साल से 5 साल के बच्चों को ही रखते हैं। ऐसे क्या कारण है कि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो है 1 से 5 साल के बच्चे ही कुपोषण से प्रभावित होते हैं और कुपोषित हो जाते हैं? बिल्कुल, बच्चे ही से अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रभावित होते हैं कि बच्चे का जो लंग्स होता है वो काफ़ी कोमल होता है और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यदि बच्चे को पोषण न मिला हो, अच्छे मतलब न्यूट्रिशंस जो बोलते हैं, पोषक तत्व नहीं मिला हो, तो उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक होने के कारण रोग से लड़ने की क्षमता उनकी कम हो जाती है। तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी तरह के आसपास के वातावरण के प्रभाव से तो वो बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो छोटे बच्चे कफज प्रधान होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, तो उन्हें उनकी जो आवश्यकता है उसको ज़रूर पूरा किया जाए तो वह बीमार ना होंगे, वो कुपोषित ना होंगे। यदि हम छोटे बच्चे पर ही ध्यान ना दें, उनके खान पान पर ध्यान ना दें, तो आने वाले समय में वो कुपोषित रह सकते हैं और फिर वो आजीवन बीमार रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक गर्भावस्था जो एक पीरियड होता है, तो गर्भावस्था के दौरान महिलाएं कैसे अपना ख्याल रखें कि वो कुपोषित ना हो? बच्चे का मुख्य कुपोषित होने का कारण गर्भावस्था में ही है। उस समय यदि महिलाएं अपने खान पान पर ध्यान न दें, उसी समय से बच्चे कुपोषित होने के लक्षण शुरू होने लगते हैं। सबसे पहले आयरन की कमी को दूर करें, आयरन के साथ साथ कैल्शियम की कमी को दूर करें। तो जिस चीज़ से आयरन मिलता हो, जैसे नॉर्मल खान पान में मड़ुआ है, झारखंड में और भी जगह पाए जाते हैं, तो उससे हम उसका यूज कर सकते हैं। कैल्शियम है, दूध से हम पूरा कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है, वो अंडे से पूरा कर सकते हैं। प्रोटीन की कमी, हम सोयाबीन से पूरा कर सकते हैं।
तो इस तरह की चीज़ जो है प्रेगनेंसी के दौरान उनके खान पान, उनके पथ्यापथ, उनका चिकित्सा पत्र उनके हिसाब से होना चाहिए। आहार ही औषधि है चरक के अनुसार। बिल्कुल यदि रोगी पथ्य का पालन करेगा, पथ्य हम रोगी के आहार को बोलते हैं, यदि पथ्य का पालन करता है तो उसे फिर औषधि की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल जो आहार है उसी से हमारे शरीर को काफ़ी न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। लोगों जो हैं उसकी जानकारी रखते हैं तो रोग से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। तो प्रेगनेंसी में महिलाओं को खासकर अपना नियमित चेकअप जरूरी है, क्योंकि उस दौरान थायराइड भी बढ़ जाता है। थायराइड बढ़े होने के कारण प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में अबनॉर्मलिटी पाई जाती है, कुपोषण के कुपोषण कारण हो वो भी जाता है। हो सकते हैं, तो उस समय थायराइड की जांच जरूरी है। हीमोग्लोबिन का स्तर उनका सही है कि नहीं, कम हीमोग्लोबिन में प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को भी एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, माँ को तो हो ही सकती है। बच्चे को डिलीवरी के बाद दूध की कमी ना हो तो उसके लिए हम उस दौरान भी सतावर वगैरह का प्रयोग करें कि हमको काफ़ी डिलीवरी के बाद बहुत माताओं को दूध नहीं होता, जिसके कारण बच्चे को न्यूट्रिशन जो फर्स्ट वैक्सीनेशन बच्चे के लिए कहते हैं कोलेस्ट्रॉम, उस तरह की चीज़ भी बच्चे को उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ता है। सर, बहुत सारी गर्भवती महिलाएं हैं जो कामकाजी हैं, जो बाहर ऑफिस जाती हैं, ऐसे में वो अपने खान पान का कैसे ख्याल रखें, कैसे वो अपने संतुलित आहार को लें? सबसे पहले तो कि प्रेगनेंसी के दौरान पहले जो त्रैमासिक है 3 महीने का, उस दौरान तो खान पान उनका बहुत सही होना ज़रूरी है, इसलिए कि उस दौरान काफ़ी मतलब बच्चे को सावधानी से रखना पड़ता है और वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है, पहला 3 महीना और आखिरी 3 महीने। बिल्कुल तो उस दौरान जो है महिलाओं को नियमित दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। वंशलोचन आता है, वंशलोचन का यूज आप कर सकते हैं दूध के साथ, उससे माताओं को काफ़ी मात्रा में कैल्शियम की उपलब्धता होते रहेंगे, होती है। आयरन की कमी उनकी दूर होगी, विटामिन B12 की कमी दूर होगी। तो बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान ही, गर्भावस्था के दौरान ही न्यूट्रिशन थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो जाता है, तो जिसके बच्चे कारण बच्चे स्वस्थ होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो प्री मेच्योर हो जाते हैं, कोई 7 महीने में हो जाते हैं। बहुत इन दिनों तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बच्चे 5 और 6 महीने में ही जन्म ले लेते हैं, 5.5 और 6 महीने में। ऐसे इसके क्या कारण हो सकते हैं सर? इसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, महिला के ओवर जो ओबेसिटी है, बच्चे के मतलब जो कभी कभी क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है आहार नाल होता है उसके गले में फंस सकता है बच्चे का, उस कारण से भी हो जाता है, ओवर वेट होने के कारण हो जाता है। तो उस तरह के बच्चे जो जन्म लेते हैं तो उनको सबसे अधिक उनके लंग्स की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि लंग्स को मैच्योर होने में 32 से 34 वीक लगता है। तो ब्रेथलेसनेस का, अस्थमा का प्रॉब्लम जो है बच्चे में शुरुआत से ही शुरू होने लगता है, तो काफ़ी दिनों तक उन पर यह खान पान का, जो प्री मेच्योर बेबी हैं उनको विशेष ध्यान रखना होगा, ऐसे पोषण उनको बेहतर चाहिए। चिकित्सा का संपर्क में रहना होगा। और बच्चे जब थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं तो उनको तो रोज़ाना तेल मालिश की भी ज़रूरत होती है। पोषण एक बच्चों तेल का आहार मालिश से भी कहते हैं। न्यूट्रिशंस काफ़ी मिलते हैं। मेरे आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो दूध दही से भी ज़्यादा मतलब लाभकारी है बच्चों को तेल के मालिश, जिसमें आप तेल बदल के कर सकते हैं, कभी जैतून का तेल, कभी रोगन बादाम तेल, कभी सरसों तेल। उसमें प्रचुर मात्रा में मिनरल्स है, विटामिन्स है, जो आपका स्किन डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेता है। इस चीज़ के भी माताएं को और जो प्रेग्नेंट बहनें हैं उनको भी इसका विशेष ध्यान रखना मतलब होगा। तेल का मसाज जो है कहीं ना कहीं जी बच्चों बिल्कुल, को पोषण हर का, एक उम्र में मसाज ज़रूरी है। पोषण का कार्य करता जी है। बिल्कुल, ये जो कुपोषण है सर, तो कुपोषण के द्वारा बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो हो जाते हैं बच्चों को, तो कौन कौन से ऐसी बीमारियां हैं जो आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती हैं? सबसे पहले तो बच्चे का जो मानसिक है और शारीरिक विकास दोनों काफ़ी वीक हो जाता है, उसकी सोचने की शक्ति, उसकी बोलने की क्षमता, उसको ग्रहण करने की क्षमता, उसकी स्मरण बिल्कुल शक्ति सारी वीक हो जाती है। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे मेरास्मस है, एस्कर्बी है, घेघा है, ग्वाइटर है, ये सारे बीमारी इस तरह के हैं। बहुत सारे बीमारी जो हैं ये कुपोषण के कारण है, कुपोषण जनित रोग हैं। समय पर उचित रूप में इन्हें पोषण मिलता तो इस तरह की बीमारियों से शिकार नहीं होते। और एक मुख्य कारण ये भी है
जो आसपास के इलाकों में जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ पर रेडियम अवरक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं, देखा गया कि वहाँ के भी बच्चे काफ़ी कुपोषित पाए गए, क्योंकि वहाँ के जो रेडिएशंस होते हैं वो भी बच्चे के प्रेगनेंसी के दौरान माताओं को भी प्रभावित करते हैं, बच्चे होने के बाद भी उसको भी मतलब ऑक्सीजन के थ्रू नेजल के थ्रू जो ऑब्जर्व करते हैं एयर से रेडियो एक्टिव मिल एलिमेंट्स, वो भी बहुत कारण है, जो कुछ कुछ खास जगह पे वो भी माल न्यूट्रिशंस का मुख्य कारण पाया गया। कह सकते हैं कि वातावरण का हाँ, वो भी बहुत, ट्रॉपिकल मतलब हम माल न्यूट्रिशंस कुपोषण का बिल्कुल। बोल सकते हैं अब जी। बच्चों में कौन सी बीमारी होती है जो ज़्यादा होती है कुपोषण के कारण? उसमें मिरास्मस है, क्वासर कोर है, एकदम हड्डी वीक हो जाती है, अच्छा, पतले हो जाते हैं और मसल्स वो चलने फिरने में भी काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनको बहुत काफ़ी प्रॉपर तरीके से रोज़ाना यदि हम तेल मालिश वगैरह करें, जो आयुर्वेद में बला तेल है, क्षीर बला तेल है और शतावरी है, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करें, बल कल्याण घृत है तो और प्रभावित जी कुमार कल्याण रस है, जिस तरह की दवाओं को शुरू से भी हम लग जाएं यूज करने लगे तो काफ़ी हद तक बच्चे सामान्य हो सकते हैं आयुर्वेद में इन सारे रोगों का जी बेहतर इलाज है। जी सर, कहा जाता है कि बाल्यावस्था और वृद्धावस्था लगभग बराबर ही होता है। जितना केयर बाल्यावस्था में ज़रूरत होती है उतना वृद्धावस्था में होती है। तो एक एज ग्रुप के हिसाब से इनका क्या डाइट चार्ट होना चाहिए और कितना वक्त इनको खाने की ज़रूरत होती है वृद्धावस्था में और बाल्यावस्था जी में? बच्चे का जो खान पान है, फिर युवा का और जो वृद्धावस्था में, तो हर उम्र में ज़रूरतें बढ़ती घटती हैं। अब आयुर्वेद से देखा जाए तो जो बचपन का समय होता है वो कफज होता है, युवावस्था का समय जो है पीतज होता है, और जो वृद्धावस्था, वृद्धावस्था है वातज होता है। और आयुर्वेद कहता है कि आयुर्वेद ऋतु के हिसाब से जो आहार है, ऋतु के हिसाब से जो विहार है उसका पालन करें, उसी से आपको संपूर्ण पोषण मिलता है। बच्चे में भी यह लागू होगा, यह वृद्ध में भी लागू होगा, युवावस्था में लागू होगा। बिल्कुल। अभी हम जो है सितंबर का माह चल रहा है, इसमें अब हम धीरे धीरे हम लोग ठंडा के मौसम की निकट ओर पहुंच बढ़ रहे रहे हैं, हैं तो ठंड के मौसम में जो फल मिलते हैं, ऋतु के। जो सिट्रस फूल बोलते हैं, ऑरेंज है, मौसमी है, सेब है, तो इस तरह में वो तमाम मौसम के हिसाब से वो मिनरल्स विटामिन देते रहते हैं। जैसे तिल का है, तो तिल में अब ठंडे में तिल का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसमें कि कैल्शियम एंटीऑक्सीडेंट जो है बिल्कुल शरीर को प्रचुर मात्रा में देते हैं, विटामिन डी की कमी को पूरा करते हैं, विटामिन ई की कमी को पूरा करते हैं, तो हमारे खाद्य पदार्थ में ही इतने न्यूट्रिशंस हैं, उसका यदि ध्यान रखा जाए तो काफ़ी हद तक इस तरह की समस्याओं से हम दूर हो सकते हैं, किसी भी वक्त मतलब किसी अवस्था में, भी एज बच्चे ग्रुप के में लिए भी है, वृद्धों का। वृद्धावस्था के लिए भी, ओल्ड एज के भी जो लोग हैं उनको भी मैं सलाह देता हूँ कि कैल्शियम की उन्हें ज़रूरत होती है तो सतावर का प्रयोग करें, नियमित एक्सरसाइज भी करो, ज़रूरी है। इसलिए एक्सरसाइज ज़रूरी है क्योंकि जो हम खाते हैं उसका पाचन जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करता है, मेटाबॉलिज्म हमारे फिजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करता है, यदि फिजिकल एक्टिविटी हमारी है तो ही हम किसी भी अच्छे चीज़ को भी पचा सकते हैं। केवल हम अच्छे न्यूट्रिशंस लेते रहें और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें तो वो भी कुपोषण का शिकार हो सकता है, क्योंकि उसको पचाने के लिए उसके लिए श्रम करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है जी। सर, ये जो पोषक तत्व की हम बात कर रहे हैं तो एक संतुलित आहार की थाली में कौन-कौन से पोषक तत्व होने चाहिए? जी अब संतुलित आहार आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो आयुर्वेद में जो 6 तरह के रस की प्रधानता बताई गई है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो भोजन में रस की प्रधानता होनी चाहिए, और उस रस में जैसे मधुर भी होना चाहिए भोजन में, अम्ल भी होना चाहिए, कटु रस भी होना चाहिए, तिक्त रस भी होना चाहिए, तो आयुर्वेद इतना वैज्ञानिक है, यदि हम तिक्त रस लेते हैं तो उसमें विटामिन सी हमको मिल सकता है, अच्छा, अम्ल अम्ल रस ले सकते हैं उसमें विटामिन सी मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट हमारे पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, कषाय रस में विटामिन ई की कमी पूरा हो जाती है, तो इस तरह से हम अपने शरीर को कुपोषित होने से बचा सकते हैं। मॉडर्न के हिसाब से देखा जाए तो जैसे विटामिन बी12 है,
विटामिन ई है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, B12 है, फॉलिक एसिड है, तो इस तरह की चीज़ जो है उसको हम कैसे पूरा करें, प्रोटीन का यह भी रोज़ाना होता ज़रूरी है। आज के देख में समय में देखते हैं हम लोग, अधिकांश मरीजों को हम लोग जांच करा के देख लेते हैं तो मैक्सिमम लोगों का विटामिन डी कम आता है, धूप लेने को हाँ बोलते हैं बी ट्वेल्व डॉक्टर। कम आता है। बिल्कुल तो इसका मुख्य कारण यही है कि जो रोज़ाना हम लोग खाने पान में जो रखते हैं, सिर्फ आज के समय में भाग दौड़ में लोग बिल्कुल बेचैन इतने हैं कि वो पेट भर रहे हैं केवल, क्या ज़रूरी है, क्या उनके लिए उचित है, इस चीज़ का उनको ख्याल नहीं है। धीरे 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 जब शरीर जो है श्रीयति शरणम, जो शरीर का मतलब ही है जो नित्य क्षय हो जिसका, तो जिसका क्षय हो रहा है शरीर का उसके लिए तो हमें ध्यान रखना होगा। सम दोषा समाग्नि च सम धातु मला क्रिया प्रसन्न आत्मी इंद्रिय स्वस्थ इति अभिधीयते। स्वस्थ की परिभाषा क्या है, जिसकी अग्नि सम हो, धातु साम्यावस्था में हो, पाचन अग्नि साम्यावस्था में, तभी ना वह स्वस्थ है। बिल्कुल पाचन अग्नि साम्यावस्था में हो तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी सर, ये पेट भर कर खाना और पोषक युक्त तत्व खाना, इन दोनों में क्या अंतर हो सकता है? बिल्कुल। अब पोषक तत्व में हमारे जब हम चावल और सब्जी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ले लिया, आलू ले लिया, खा लिया, पेट तो पेट भर भर गया, गया। ब्रेन को ऑक्सीजन मिल गया, अब बोला कि भाई अब बस करो। लेकिन दिक्कत यह है कि अब प्रोटीन तो मिला नहीं, नहीं आयरन मिला नहीं, उन सब चीज़ों की भी ज़रूरत है। बॉडी का यूनिट्स क्या है, सेल है, प्रोटीन है, जरूरी तो प्रोटीन भी ज़रूरी है। तो हमें भोजन की थाली में सुबह उठे तो हमें जैसे चना हुआ, मूंगफली हुआ, कागजी स्प्राउट्स बादाम हुआ, तो वहीं से हमारा शुरुआत हो गया सुबह में। गुड़ ले लिए तो हमारा आयरन की कमी दूर हो गई, बादाम ले लिए तो B12 की कमी दूर हो गई, और ये चना ले लिए तो आयरन की कमी दूर हो गई, कैल्शियम की कमी दूर हो गई, दूध ले लिए तो हम संपूर्ण भोजन हो गया, दोपहर के खाने में सलाद ले लिए, वेजिटेबल हो गए तो ये फाइबर्स हो गया, तो शरीर को फाइबर्स जो है शरीर को प्योरीफिकेशन करता है वो भी ज़रूरी है, दाल भी ज़रूरी है, चावल भी ज़रूरी है, हरी सब्जी ज़रूरी है। जो नॉन वेजिटेरियन हो, नॉन वेज के लिए मतलब जो खाते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो, उनमें भी उनको पर्याप्त मात्रा, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए भी पर्याप्त प्रकृति ने बनाया है कि आप कुपोषित होने से बच सकते हैं। जी ज़रूरी है कि हम पेट भर के खाने जी के पेट बजाय भर पोषक से तत्व खाएं, पेट तो कुछ से भी भर ले जी सकते हैं। एज के हिसाब से आप पोषक तत्वों पर ही ध्यान दें। जी डॉक्टर साहब, झारखंड जो कि काफ़ी पोषक तत्वों का खदान माना जाता है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो पोषक तत्व हैं जो हम खाकर अपना न्यूट्रिशन पूरा कर सकते हैं, लेकिन आज भी देखा जाए तो झारखंड के कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ बच्चे कुपोषित हैं, इसके क्या कारण हैं? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड, इसका नाम छोटा नागपुर इसीलिए ले पड़ा कि छोटा नागपुर जो है जड़ी बूटी का जगह है और इसी का छोटा रूप है ये छोटा नागपुर, इसीलिए इसका नाम छोटा नागपुर पड़ा। यहाँ जड़ी बूटी, भंडार है। आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट बहुत सारे बढ़ रहे हुए, तो जहाँ पर भी आज, लेकिन झारखंड में अभी भी कुपोषण के शिकार बच्चे बढ़े हुए, लेकिन पहले से काफ़ी मात्रा में सरकार ने अपने कार्यों से उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया है। लेकिन मुख्य कारण जो है इसकी जो है अज्ञानता ही है जो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें जो झारखंड में जो भोजन जो मिलते हैं तो उस चीज़ का हमको खास कर ध्यान रखना होगा। जैसे मड़ुआ है, तो मड़ुआ जो है शुगर के मरीज के लिए भी काफ़ी हद तक अच्छा है, प्रेगनेंसी में भी अच्छा है, खून की कमी दूर करती है, तो ये सब आसपास में हमारे मौजूद है। पुटकल का साग है, तो पुटकल के साग से आपको विटामिन सी की कमी पूरा हो जाती है और काफ़ी हद तक इम्यूनिटी लेवल को बूस्टअप करता है, लंग्स को एक्टिव करता है और आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनने से रोकते हैं। बेंग का साग है, जिसको गदापूर्णा भी बोलते हैं, तो उसको खाने से आपको जॉन्डिस में काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है और मतलब ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा टॉनिक माना जाता है। पटोल है, अरहर दाल है, और अरहर दाल में जितने भी विटामिन्स हैं, ABCD जितना है सब पाए जाते हैं। और मेरा मानना है कि लोग जो दाल का जो प्रयोग करते हैं तो सिंगल दाल का प्रयोग ना करें, मिक्स मिक्स दाल की दाल, प्रयोग करें, क्योंकि केवल अरहर रोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उससे दिक्कत है। मूंग रोज यूज कर रहे हैं तो मूंग भी यूज़ करें, उसमें कुलथी का प्रयोग करें, कुलथी का प्रयोग भी साथ में करेंगे तो पथरी किडनी बनेगा। स्टोन की समस्या नहीं होगी।
तो मिक्स दाल का प्रयोग करें, उससे आपको सारे मिनरल्स मिल जाएंगे। मिल जाएगा। फ्रूट्स का प्रयोग करें, दूध का प्रयोग करें, वायल से मसाज का प्रयोग करें, तो इतना काफ़ी है, पर्याप्त है। मतलब कि हम झारखंड की थाली में पुटकल साग, जी, बेंग साग बेंग और साग, जो यहाँ मकोए का है, मशरूम है, रुगड़ा मशरूम, है। मशरूम और रुगड़ा का तो इतना फ़ायदा है। रुगड़ा में काफ़ी फास्फोरस है, कैल्शियम है और प्रोटीन है, जिसका मतलब काफ़ी मतलब मेडिसिनल यूज़ है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसका पाचन शक्ति अच्छा होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर से पचता है। जिसके पाचन शक्ति अच्छी नहीं है अच्छी हो वो, वो उनको प्रॉब्लम उनको हो सकता अवॉइड है। करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो मतलब ये करके हम झारखंड के लोगों को कुपोषित होने से बहुत जी, हद तक झारखंड बचा में सकते काफ़ी हैं। उपलब्ध है बिल्कुल ये सर। भोजन। सर आजकल देखा गया है कि माँ बाप अपने बच्चों के खाने का विशेष ध्यान रखते हैं, सुबह शाम बच्चों के खाने के पीछे भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि अपने बच्चे को क्या खिलाएं और कितना खिलाएं, और जिसके कारण वो कई बार कुपोषित भी हो जाते हैं। तो कैसे समझे माँ बाप कि मेरा बच्चा कुपोषण का शिकार हो रहा है या वो कुपोषित हो रहा है, ये क्या कुछ इसके लक्षण नज़र आते हैं? शहरों की बात मैं करता हूँ, तो शहर की बात मैं कर रहा हूँ ये कि शहर के बच्चे कुपोषित नहीं हैं, अति पोषित हैं। उन्हें अत्यधिक मतलब पोषण। भोजन और पोषण ज़्यादा मिल जा रहा है, अच्छा। और उस हिसाब से उनकी फिजिकल एक्टिविटी है नहीं। सुबह उठते हैं, डायरेक्ट स्कूल चले जाते हैं, शाम में आते हैं होमवर्क बनाते हैं, घर में रहते हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटी करने का टाइम भी नहीं है, और गार्जियन इसकी प्राथमिकता भी नहीं देता। गिर जाएंगे, चोट जी, लग जो कि जाएगा। बहुत ज़रूरी है खेल कूद। खेल कूद के बिना अब केवल आप पोषण लीजिएगा, केवल न्यूट्रिशंस लीजिएगा, उसकी भी जीरो वैल्यू है। जी, आपके पास शरीर के लिए जो भी आप खाने पीने का जो भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए आपका ऑर्गन सिस्टम को भी तैयार रहना पड़ेगा। आप मान लीजिए अत्यधिक भोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी ले रहे हैं, तो उसको फिजिकली उसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है। तो आजकल देखिएगा कि छोटे छोटे बच्चे भी डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल। अब आप भोजन तो खूब दे रहे हैं, उससे ब्लड शुगर बढ़ने वाला, ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है, तो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी आपने कराया नहीं। लेकिन अति पोषण केवल देते रहने से बच्चे का विकास नहीं हो सकता। अति पोषण भी कुपोषण में ही आता है। जी, बार बार बच्चे के खाने की हैबिट भी सही नहीं है। और दूसरा एक बैड हैबिट है, जो खाने के वक्त लोग मोबाइल का यूज़ कराते हैं बिल्कुल। और टेलीविज़न देख के बच्चे को खिलाते हैं। मैंने अधिकांश आजकल देख रहे हैं, जो नई पीढ़ी की माताएं हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि अपने बच्चे को खासकर टेलीविज़न देखते वक्त, मोबाइल देखते वक्त खाना नहीं खिलाएं। इसलिए क्योंकि जब आप खाना खाते हैं, तो उस समय आपका पेप्टिन, उसको पाचन एंजाइम सीक्रेट होता है। लेकिन जब उसी समय आप दूसरे काम में अपने मन मस्तिष्क को लगा देते हैं, टेलीविज़न में, मोबाइल में, तो वो आपका ध्यान अलग हो जाता है। फिर उस तरह के हार्मोन रिलीज होते नहीं, वो भोजन के सही पाचन भी नहीं देते हैं, भोजन को अच्छे से पचने भी नहीं देते हैं। उससे उस संतुलित जो आयरन्स, विटामिन्स को ऑब्जर्व करना है, उसके लिए भी ऑर्गन तैयार नहीं हो पाते। खासकर तो आने वाली जो पीढ़ी की माताएं हैं, उन्हें मैं सलाह देता हूँ कि बच्चे को नीचे बैठा कर, पलथी मार के बैठा कर भोजन कराएं, जिससे उनका पाचन शक्ति भी सही रहेगा, भोजन खाने की इच्छा भी बढ़ेगी, और उनको यह पता चलेगा कि उनका पेट निकल रहा है। क्योंकि डाइनिंग टेबल खाने पर बहुत बार लोगों को यह ध्यान भी नहीं रहता है। आप नॉर्मली बैठ के खाएगा तो आपको सारा सिस्टम भी आपका सही रहेगा। खाना खाते वक्त थोड़ा कम पानी का प्रयोग करें, जिसके कारण कि भोजन जो है अच्छे से डाइजेस्ट हो। फिर खाने के बाद 45 मिनट के बाद बच्चों को खाने की और पीने पानी की पिलाने के आदत बाद डालनी होगी। सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, 1 से 5 साल के बच्चे हैं, जिनकी माताओं का ये बहुत शिकायत रहता है कि हमारे बच्चे खाते नहीं हैं, उनके पीछे 1 1 घंटे 2 2 घंटे बैठना पड़ता है, अंत में वो परेशान होकर बच्चों को मोबाइल देती हैं ताकि वो एक दो निवाला भी खा लें। बच्चे इतने ज़िद्दी और चिड़चिड़े हो गए हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं? उसके उसका भी कारण न्यूट्रिशंस है। न्यूट्रिशंस की कमी के कारण, अति न्यूट्रिशंस, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि भोजन अत्यधिक भी मिल रहा है, क्या है कि किसी भी चीज़ का अति नहीं होना चाहिए, अति सर्वत वर्जित। तो भोजन भी संतुलित होना चाहिए, काफ़ी हाई लेवल का हमको प्रोटीन लेवल और ये भी नहीं देना चाहिए। आजकल देखिएगा कि जिम जाते हैं लोग, अत्यधिक प्रोटीन और ये ले रहे हैं, उसका आजकल देखिएगा काफ़ी हद तक उसमें कार्डियक स्ट्रोक और किडनी की समस्या बढ़ रही है, क्योंकि वो फिल्टर नहीं कर पाते, अत्यधिक सिंथेटिक प्रोटीन ले लेते हैं। तो माताएं जो है, बच्चे जिनके मोबाइल वगैरह के शिकार, तो शुरुआत तो उन्हीं लोगों का कराया रहता है, तो कोशिश करें कि धीरे 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 उनको हटाएं।
इस सब आदत से। जंक फूड का भी काफ़ी प्रचलन है जी सर, कि लोग बच्चे आजकल बाहर के चिप्स वगैरह खाना काफ़ी पसंद करते जी हैं। जंक फूड में क्या है कि कैलोरी तो बहुत मिल जाता है लेकिन पोषक तत्व तो उसमें होता पोषक नहीं तत्व है, नहीं। और धीरे धीरे वो मोटापा को बढ़ाते हैं और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाते हैं। तो जैसे मैगी है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये कभी कदार की चीज़ है, मतलब अक्सर उसको रोज़ाना इस्तेमाल ना करें और उस चीज़ से बचें। और जो चिड़चिड़ाहट का कारण मैंने ये बताया कि अति पोषण या कम पोषण या कुपोषण के कारण भी बच्चे चिड़चिड़े चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, हैं। अत्यधिक थक जाते हैं किसी काम को लेकर, हाँफने लगते हैं थोड़ी देर दौड़ने में, तो सब कारण हैं। उनको फिजिकल एक्टिविटी कराएं और और उसके पोषक बाद तत्व साथ में जी दें। अब अगर हमारे देश के हर माता पिता चाहें तो वो कहीं ना कहीं कुपोषण को दूर कर सकते हैं, इस बारे में आपका क्या विचार है सर? बिल्कुल कर सकते हैं कि घर जो है हमारा, जो शुरुआत का जीवन का वही पाठशाला है हमारे जीवन। आज तो शिक्षक दिवस पे उसमें कहना चाहूँगा कि माँ ही जो है गुरु है। जीवन की पहली टीचर है, पहली गुरु है। तो माँ के लिए मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे हैं उनके लिए आप एक खास तरह के जो बच्चे हैं उनको आप खाने का अपना एक रूटीन बना लें कि आप संडे को इस तरह का भोजन दें, मंगलवार को इस तरह का दें, और फिर दिन के हिसाब से भी अपना एक फिक्स कर लिए। फिर अपना पर डे के हिसाब से इनको कैल्शियम चाहिए रोज़, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, तो उस तरह की चीज़ आप किस किस चीज़ में पाया जाता है, ड्राई फ्रूट्स ले लिए, बिल्कुल। मौसमी फल ले लिए, तो इस तरह के चीज़ फ्रूट्स वगैरह खाएं और खाना हल्का दें हल्का दें। जी, पेट डॉक्टर भरने वाला साहब, भोजन कम आज दें आप हमारे स्टूडियो में आए और जी। इतनी अच्छी जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों के दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, और आने वाली जो माताएं हैं और हम जैसी जो माताएं हैं उनसे डॉक्टर साहब ने अनुरोध भी किया कि बच्चों का विशेष ख्याल रखें और मोबाइल और टीवी से दूर रखें, ताकि उनको जो पोषक तत्व दिए जा रहे हैं उनके शरीर में भली भांति लगे। तो दर्शकों, आप इन सारी बातों को फॉलो करें और एक अपना पोषण भरा डाइट चार्ट बना लें और संतुलित आहार लेते रहें। आज के कार्यक्रम में दर्शकों बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में और भी बहुत सारी जानकारियों के साथ बहुत सारे विषयों पर हम होंगे हाजिर। तब तक नमस्कार।